मेरा तो खून जल रहा है इस टीजर को देख के, क्योंकि इस टीजर के अंदर मैं वो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो मैंने कभी बचपन में पढ़ा था, जो मैं जिसको मानता हूँ मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इस टीजर के अंदर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ धार्मिकता से, विश्वास से और उन सभी कहानियों और उन सभी ग्रंथों से जो मैंने बचपन में सुनी है, देखी है, समझी है, जानी और महसूस किया है। और शायद आप लोग भी नहीं कनेक्ट कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँ। दोस्तों फाइनली प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो चुका है और इसको देखने के बाद मैंने आधे घंटे तक अपना सर पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म टीजर 500 करोड़, सच्ची में कहाँ से आते हैं? 250 करोड़ का VFX 250 करोड़, आपको यकीन हो रहा है? ढाई हजार में मेरी दुकान का कम्युनिकेशन वाला इसे अच्छा VFX बना देगा। कि यही क्या है, सिर्फ VFX के नाम पर एक क्रोमा की लगा के कार्टून नेटवर्क की सीरीज बना रहे हैं ये लोग। कुछ ब्लैक मनी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का सीन तो नहीं है? ईडी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इस पर फिल्म में महाभारत और रामायण जैसे पे आप फिल्में बनाना ही चाह रहे हो, 1000 करोड़ खर्च करके, 5000 करोड़ खर्च करके, 5D में, 3D में, वट एवर, तो आप इस फिल्मों के अंदर ऑथेंटिसिटी, आप इस फिल्मों के अंदर ईमानदारी क्यों नहीं दिखाते हो, जैसा कि हमारे रामानंद सागर जी ने दिखाया था पुरानी रामायण के अंदर, जैसा कि महाभारत में BR चोपड़ा ने दिखाया था। प्रभु श्रीराम का जो चरित्र है, जो उनकी सादगी है, जो उनके चेहरे पे तेज है, जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, एक स्माइल है, वह हमारे दिमाग और हमारे मस्तिष्क में जहन है, हमारे मन में वो उसकी एक तस्वीर झलकती है। और जब हम इस टीजर को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? टट्टी। प्रभु श्रीराम का कैरेक्टर प्रभास ने जो किया है, पूरे CGI और VFX से अपने आप को इतना मॉडर्न कर लिया है कि उनके जो पैक्स दिख रहे हैं, उनके जो एप्स दिख रहे हैं, उनके जो भुजाएं दिख रही है, उनमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि एक कार्टून को खड़ा कर दिया है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण का, बाली का, सुग्रीव का, वानर सेना का किस तरीके से इन्होंने एनिमेट किया है, इससे अच्छी तो पुरानी वाली 20 साल पहले की अगर हम बचपन की वही द एपिक रामायण देखें तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसमें 250 करोड़ का पैसा लगाकर इन्होंने 250 करोड़ की अब आप समझ ही गए होंगे, इन्होंने वही गलती कर दी जैसे कि अभी विक्रम वेदा की रीमेक बनी। कैरेक्टर्स आपने श्री राम का, श्री हनुमान जी का, और आपने सुग्रीव, बाली और ये महाबली जामवंत, इन सब के किरदारों के रामानंद सागर जी ने जस्टिस किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बॉलीवुड जो है वो हर चीज़ में कॉपी कर रहा है। और इतना बताने के बाद, इतनी फिल्में जो है बायकॉट हुई है, इतना समझाने के बाद कि हाँ भाई प्लीज़ धार्मिकता, आस्था और हिंदू देवी देवताओं का अपमान मत करो, ये वही कर रहे हैं। इसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे हनुमान जी सात समंदर पार कर रहे हैं। हनुमान जी की छवि सुनते ही हमारे मन में, हमारे जहन में भगवान श्री हनुमान जी का एक सौंदर्य रूप, एक आकर्षण रूप हमारे जहन में उतरता है, उनके प्रति हम नतमस्तक होते हैं। हनुमान जी का लाल और केसरिया रंग, हाथ में सोने की गदा, ये क्या दिखा रखा है भाई टीजर में? हनुमान जी को तो एकदम तुच्छ मामूली वानर दिखा रखा है, क्या बना दिया तुमने यार? हमारे सनातनी प्रेमी अगर इस टीजर को देखे होंगे तो कहीं ना कहीं बवाल तो मचा ही होगा। अरे अच्छी अच्छी VFX तो ब्रह्मास्त्र ने कर दी, क्या 3 घंटे में रामायण को कंप्लीट किया जा सकता है? और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट विलेन ऑफ रामायण, रावण। रावण का किरदार आपने क्या दिखाया भाई? सैफ अली खान को दीजिए किरदार। सैफ अली खान तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हो गया हर फिल्म के लिए। सैफ अली खान का कैरेक्टर बिल्कुल 2022 की सदी का एकदम कार्टून बना दिया यार। यहां से कट, यहां से कट, 10 सर जो ऐसे दिखा रखा है जैसे कि बालवीर का कोई नया वेब सीरीज आ गया हो, पोगो पे कोई नया कार्टून आ गया हो। इसमें कहीं ना कहीं रावण के साथ भी मजाक किया गया है। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, रामायण में जितने इंपॉर्टेंट राम जी थे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रावण का भी एक कैरेक्टर था। रावण जो है वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, पूजनीय थे, और उनका खुद का एक ऐसा गेटअप था जो कहीं ना कहीं एक महा भोलेनाथ के भक्त, महाकाल के भक्त रावण का सौंदर्य रूप भी उनकी भुजाएं, उनके बातों में, उनके वर्ड्स में, उनके कैरेक्टर में एक बल हुआ करता था। लेकिन इसमें रावण का कैरेक्टर ऐसा दिखा, एक तुच्छ, सैफ अली खान ने इसको परफॉर्म किया है। और रावण का पुष्प विमान तो इसमें एक नए जमाने का दरियाई घोड़ा बन गया है। गेम्स ऑफ थ्रोन की कॉपी कर रखी है यार इस फिल्म के अंदर। इस टीजर को देखने के बाद मेरी तरफ से तो 5 में से 0 है। रामानंद सागर जी ने जो इंसाफ किया था पुरानी रामायण में, क्या वो इंसाफ ओम रावत इस फिल्म के अंदर कर सकते हैं, या फिर एक दिखावा है, एक धोखा है, क्या पता कुछ और ही निकले? तो कमेंट करके बताइए हमें। मैं हूं आपका दोस्त रवि चौधरी, और इसी तरह प्यार देने के लिए शुक्रिया। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए।